सवाल है जीएनएफसी के बारे में। ये सवाल है शोभा सोलंकी जी का, और इन्होंने 662 की खरीद की है और 662 के भाव पे खरीद की है। पूछ रहे हैं कि क्या होल्ड करें या फिर घाटा उठा करके निकल जाएं। 2 से 6 महीने तक का इनका समय है, मतलब जिस बीच ये रख सकते हैं। और पूछना है इनका कि क्या और शेयर ऐड करना ठीक रहेगा इसमें। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज मेरे सामने आ गई है, और इसको एनालाइज करने के लिए मुझे इसकी अर्निंग्स का ही हेल्प चाहिए। देखिए, क्योंकि जब मैं इसके प्राइस पैटर्न पे जाता हूँ तो एक एनालिसिस ये कहती है कि 600 के आसपास रुक जाना चाहिए, हो सकता है रुक जाना चाहिए, लेकिन उस पर दिक्कत क्या आ जाएगी, क्योंकि जब मैं इसका साइकिल रीड करने की कोशिश करता हूँ तो ये कह रहा है कि लास्ट लेग ऑफ फॉल की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर वो 600 पे नहीं रुका तो फिर बड़े करेक्शन की पॉसिबिलिटी बनेगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपको इसके फंडामेंटल्स को देखने जाना पड़ेगा, और आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे तो अगर आप सिक्लिकलिटी के हिसाब से देखेंगे तो प्रॉफिट उतना सपोर्टिव नहीं है। ओके, रेगुलरली ये अदर इनकम इन कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका प्रॉफिट लास्ट 2-3 क्वार्टर से बहुत सपोर्टिव नहीं है, एंड देयरफॉर बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं कहा जा सकता कि डिस्पाइट सिक्लिकली लग रहा है 600 तक रुक जाना चाहिए प्राइस, शायद नहीं भी रुके। इसको उल्टा सोचना पड़ेगा, मुझे क्या उल्टा सोचना पड़ेगा, अगर अगले आने वाले रिजल्ट में कहीं ना कहीं बॉटम इंडिकेट करता है, अगर ऐसा होता है तो आज के डेटा के हिसाब से 685 के ऊपर निकलना चाहिए, तभी आप मानिए कि इसका करेक्शन का साइकिल खत्म हो गया, ये डेटा चेंज होगा। मैं आज के डेटा के हिसाब से कह रहा हूँ 685 का टॉप निकालिए, फिर जो भी आपका लेटेस्ट बॉटम होगा उसका आप सैक्रोसेंट बॉटम मानिए, अदरवाइज स्टिल वेट करना चाहिए इसके लिए। जी सोमेश, अक्सर जब इस तरह की चीज़ दिखती है मुझे चार्ट पे, तो मैं आपके सामने कटोरी खोल करके रख देता हूँ पूछने के लिए कि भाई कटोरी बनेगी या नहीं बनेगी। तो अभी तो ये एक डाउन ट्रेंड में है, क्या इसमें कटोरी वाली उम्मीदें टूट गई हैं? क्या वो स्ट्रक्चर वायलेट हो चुका है या अभी भी उम्मीद बची हुई है, या एक कटोरी बन चुकी है वो पहले वाली? ये बहुत कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है राजीव जी, इसमें कटोरी डायरेक्ट आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, बिकॉज इसका जो रिलेशनशिप है फंडामेंटल्स के थ्रू वो बैठ नहीं रहा, फंडामेंटल्स उतने सपोर्टिव नहीं है इसके इस लेवल के लिए। तो अगर अगले क्वार्टर में, आने वाले क्वार्टर मतलब इस क्वार्टर में जो आपका ईयरली रिजल्ट भी देगा, अगर इसमें प्रॉफिट की ट्रैजेक्टरी और डाउन है तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, और फिर ये कटोरी का तो पता नहीं, फिर ये फिर मुझे रीड करना पड़ेगा काइंड ऑफ डबल टॉप स्ट्रक्चर एट 800, एंड देयरफॉर 500 तक की भी रीडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन मैं 600 के पहले वो रीडिंग इनिशिएट नहीं करना चाहता। जी चलिए, तो इन लेवल्स का ध्यान रखा जाए और उसके हिसाब से निर्णय लिया जाए, और साथ में अपनी रिसर्च, अपनी पढ़ाई लिखाई वो भी जरूरी जरूरी है। यहाँ की चर्चा को एक इनपुट की तरह से आप इस्तेमाल करें।